तो मैं मेरे देश का वेस्ट एंड साउथ साइड घूमने के बाद मैं अब चल पड़ता हूँ मेरे देश की तीसरी मंजिल की ओर, जिसे द ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिसे द ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को जाना जाता है इसके वेराइटीज के लिए, चाहे वो जगह में हो या खाने में। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी नागपुर के बारे में। चलो भाई, दिल मेरे तू है एक बंजारा, जाने ना तू क्यों फिरता वारा दिल। तो गाइस, आज जो व्लॉग शुरुआत हो रही है वो है ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया में, और तो हम शुरुआत कर रहे हैं आज का व्लॉग नागपुर से। सो आप पीछे देख सकते हो, ये है जीरो माइल्स, जो स्टोन देख रहे हो जीरो माइल्स का स्टोन है। तो अभी हम नागपुर में हैं एंड यहाँ पे व्लॉग शूट करने के लिए आए हैं एंड अपने दोस्त से मिलने हैं। तो ये है असुरा, फिर हम यहाँ पे ना नागपुर थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। अपने पास कम टाइम है, पर कम टाइम में हम नागपुर के अच्छी अच्छी जगह घूमेंगे। इस जहां में खुद को जाने ना तू दिल क्या सच। यहाँ पे जीरो माइल्स का कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, कौन कितना दूर है, कौन कितना पास है, सारे का सारा। को समझाना जाने ना तू क्यों बन के अनजाना। तो इसके बाद हम पहुंच जाते हैं बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल जिसे दीक्षा भूमि कहा जाता है, और ये वही जगह है जहां बी.आर. अंबेडकर ने 6,00,000 लोगों के सामने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चोर भाई, चोर रेडी हो रहे हैं चोरी करने के लिए। किसकी बाइक है पता नहीं, चोरी कर रही है। पीछे पुलिस की वैन है, मैं बताने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र आए और यहाँ के फेमस वड़ा पाव नहीं खाए, ये भी कोई बात होती है। तो हमने सबसे पहले वड़ा पाव खाया, देन उसके बाद हम गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। फुटाला लेक नागपुर में, एंड यहाँ पे पता चलता है कि भाई लाइटिंग वगैरह जो होती थी वाटरफॉल की, वो भी बंद है। तो अभी कुछ इनका रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो उसके लिए बंद है। तो अभी हम फिर फुटाला लेक पे ऐसे फुटपाथ पे ही घूम रहे हैं, थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे साथ है अभी असुरा, एंड असुरा और मैं ही घूम रहे हैं भाई फुटपाथ पे वेले। चलो मिलते हैं फिर। कच्चा सा दिल है नहीं चुन रहा, कच्ची सी धूप कच्ची डगर फिसल रही, कोई खड़ा चुपके से कह रहा मैं साया बनूं तेरे पीछे चलूं चलता रहूं। पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे। मेरा दिल मोया सिद्धानी ये तुरदा, जाने से रुकी होया ना पता, तेरी गलती है किसे दीनी सुनदा, जाने से नु होया की पता, दिल तेरे अगे पीछे नेड़े गेड़े मारदा, फेरा कमला है क्यों तेरी अखा उत्ते हारदा रे।
जाते हैं एडवेंचर करने नागपुर की वन ऑफ द फेमस प्लेस फन एंड विलेज में, जिधर हम एंजॉय करते हैं इधर के एडवेंचर राइड्स, और जो कि आप नेक्स्ट सीक्वेंस में देखने वाले हो। तो गाइज अभी हम आए हैं वाटर पार्क, जो कि नागपुर का फेमस वाटर पार्क है फन एंड फूड के नाम से। तो यहाँ पे वेदा है, मैं हूँ और असुर है। सबसे पहले हम जा रहे हैं स्पीड कोस्टर पे, जिसमें स्पीड ही नहीं है, सच बोल रही है। तो ये हम दोनों के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो करेंटली हम दोनों जाएंगे भाई, लेट्स गो। वेदा आजा। अच्छा लग रही है। तो इतने सारे वाटर पार्क्स हैं, वाटर राइड्स सॉरी, तो उसमें से फर्स्ट हम ट्राई कर रहे हैं कोस्टर राइडर, जो भी है। ये किसका बच्चा खो गया? किसी ने बोला था, जर्नी छोटी ही सही यादगार होनी चाहिए, एंड दोस्त कम ही सही बट निभाने वाले होने चाहिए। पर इस दोस्ती को अल्फाजों में बयां करना इतना आसान नहीं है। मेरे ये नागपुर का जर्नी भी मेरा एक यादगार ट्रिप में ऐड हो गया है। कुछ दिनों का ये सफ़र था, मगर मेरे दोस्तों के साथ बिताए हुए हर एक पल, हर एक सेकेंड मेरे लाइफ का मेमोरी में ऐड हो गया है। कहते हैं ना, नसीब वालों को ही इतनी अच्छी दोस्ती मिलती है। शायद मैं उन नसीब वालों में से हूँ जिसे सिर्फ दोस्त नहीं, दो भाई मिले हैं। दफा करने के लिए बुलाए बाहर मेरे को, रोइयो मत। बाय बाय। चलो भाई, सबको बाय बाय कर दिया, एंड यही था अपना नागपुर का जर्नी। मिलते हैं भाई। और इसी के साथ हम एंड करते हैं इस कहानी को यहीं पर, और मिलते हैं एक नई कहानी में।